माता की वंदे। मानपुर बच्चे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय रणदीप शर्मा जी, जो हमारे नैनादेवी के लोकप्रिय विधायक है, चुनाव के सह प्रभारी और बिलासपुर के लोकप्रिय विधायक आचार्य लोक जम्पाल जी, बड़सर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नंद लखनपाल जी, हमारे पूर्व रहे सभी माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदर योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया के आदमी मेरे प्रेम मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबका पिछले लोकसभा चुनाव में हमीरपुर में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए और मुझे अपना आशीर्वाद देकर फिर एमपी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों, हम चाहते थे कि ये तीनों विधानसभा के उपचुनाव भी लोकसभा के साथ आते, लेकिन स्पीकर महोदय ने विलंब करते करते इतना विलंब किया कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ ये तीन विधानसभा के उपचुनाव नहीं आए। जैसे बाकी छह हुए, ये तीन भी साथ में हो सकते, लेकिन स्पीकर ने कहा, निर्णय टलता गया और अब एक बार फिर हम सबको चुनाव में जाने का मौका मिल गया। पिछले चुनाव में भी गर्मी बहुत थी, लेकिन कार्यकर्ता का उत्साह जोश मन को ढीला नहीं डाल पाए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक मेहनत करके रिकॉर्ड लीड हमें दिलाई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, चुनाव जनता 85 दिन चुनाव का कैंपेन था, किसी भी राजनीतिक दल के आसान नहीं था, लेकिन पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कोई कमी अपनी ओर से नहीं छोड़ी और दिन रात एक करके चुनाव लड़ा, जिताया और मुझे सांसद बनाया है। मैं आज आप सबके बीच में अनुरोध करने आया हूँ कि भाई आशीष शर्मा जी जीते इंडिपेंडेंट, लेकिन उन्होंने राज्य की सरकार के कामकाज को देखकर कि राज्य का विकास थम गया, हमीरपुर का विकास थम गया, उन्होंने निर्णय लिया कि अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको पार्टी का उम्मीदवार बनाकर भेजा है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगले 10 जुलाई तक दिन रात एक करके पहले से ज्यादा मतों के साथ आशीष जी को हमीरपुर का विधायक बनाए। ये सबको प्रण लेके चल रहा है। भाइयों बहनों, जैसा मंडल अध्यक्ष आदर्श गांधी ने कहा, कम से कम 2 बार डोर टू डोर करना है, घर घर जाकर प्रचार प्रसार करना है और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक नहीं अनेक बार यहाँ से चुनाव जीती, एक बार फिर कमल का फूल खिलाने का अवसर आया। आज राज्य की सरकार को देखा जाए, अगर पिछले कुछ महीनों में अगर इस सरकार का 15-16 महीने का लेखा जोखा देखा जाए, दिया क्या है, केवल कर्जा बढ़ाया है हिमाचल प्रदेश, रिकॉर्ड कर्ज लेने का बनाया है, रिकॉर्ड जंगलों की आग लगाने का बनाया है, रिकॉर्ड पानी को बंद करने का किया है। आज गांव गांव घर घर से एक ही फोन आता है कि पानी नहीं आ रहा। पहले पिछले महीने से लेकर अब तक एक फोन आता रहा कि जंगल में आग, उस जंगल में आग। प्रदेश में चुनाव हो रहा था, सरकार सोई हुई थी, सरकार के तंत्र को चुनाव लड़ाने के लिए लगा रखा था लोकसभा उपचुनाव, जो आज तक हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ वो अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग इस सरकार ने किया है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, चाहे उपचुनाव, हर काम के सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किया, लेकिन जो जंगलात विभाग में
आग बुझाने का काम होना था वो भी नहीं हुआ। एक बार नहीं दो दो बार जंगल जल गए, लेकिन ये सरकार सोई नहीं। कैसी कैसी खबरें नहीं लगी, पशु मर गए, पक्षी मर गए, लेकिन सरकार सोई नहीं चाहती है। आज भी अगर हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के खर्च करने के बाद, घर घर नलका लगवाने के बाद, घर घर पानी की सुविधा पहुंचाने के बाद, अगर पानी छोड़ने का काम भी प्रदेश की सरकार नहीं करती है, तो इससे निगमी सरकार को लाभ नहीं हो सकती। और यही नहीं, सरकार में नौकरी तो क्या देनी थी, नौकरी देने का संस्थान हिमाचल प्रदेश फॉरमेंट सिलेक्शन बोर्ड, उस पर भी ताला चढ़ दिया। आज अगर सरकार की चिंता है तो केवल कर्ज लेने की और अपने मित्रों की सेवा करने की। मेरे भाई और बहनों, सारे मुद्दों को पहले भी वक्ताओं ने लिया है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 18 महीनों में हमीरपुर जिले को मिला क्या? क्या मिला हमीरपुर जिले को? हमीरपुर जिला छोड़ दीजिए, नदौन विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला? एक भी प्रचंड नदौन विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिला। और नदौन से भी हमने लगभग 2200 मतों की लीड नदौन वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को दी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत लगाई, पूरा सरकारी तंत्र लगा था, मुख्यमंत्री जी का पूरा परिवार लगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने और हमारी जनता के आशीर्वाद से नदौन में भी लीड मिली, तो भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस मंच में नदौन के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमीरपुर की 500 सीटों पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और मेरा आप सबसे निवेदन है, हमीरपुर की सीट पे भाई अशीष जी ने इन 18 महीनों में चाहे सरकार ने मदद की या ना की, उनकी ओर से सेवा में कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा आप सबसे निवेदन है, आशीष जी को अपना आशीर्वाद दे और पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने गांव के हर घर घर जाए, अपने पोलिंग बूथ के हर घर घर जाए और भाई अशीष शर्मा जी को विधायक हम हमीरपुर से बुलाएंगे। आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, हमीरपुर का विधायक कैसा हो, हमीरपुर का विधायक कैसा हो, हमीरपुर का विधायक कैसा हो, दोनों हाथ उठाकर ये तो आपने पकड़ रखी। हाँ, ऊपर उठा के शीश जी की फोटो को, हमीरपुर का विधायक कैसा हो, हिमाचल प्रदेश से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को एक नहीं दो दो बड़े मंत्रालय देकर मोदी जी की सरकार में मंत्री बनाया गया है। हम इस मंच से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई और बहनों, जब मोदी सरकार में 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में कोई कमी नहीं, तो अब भी चारों के चारों लोकसभा के सांसद और तीनों विधानसभा के सांसद, हम साथ के साथ सांसद हिमाचल प्रदेश की आवाज बनेंगे और केंद्र से बड़ी बड़ी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में लाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री तो अपने, सांसद भी अपने, विधानसभा में पैसा खर्च करने के विधायक भी अपना चाहिए। इसलिए आपने पूरी ताकत लगाकर पहले से ज्यादा मतों से भाई आशीष शर्मा जी को जिताना है। कमल का फूल खिला रहे हैं, नीरू जी खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, जबर जबर देखो।
भाइयों बहनों, राजकुमारी सेठिया सिगरेट घर पर जाने खड़ी हुई है। मैं सिर्फ इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी ताकत लोकसभा के चुनाव में लगी उतनी ही ताकत विधानसभा के चुनाव में लगनी चाहिए। जितने वोटों से मुझे जिताया उससे ज्यादा भाई आशीष को अपने वोटों से जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय भारत, जय हिमाचल, जय हिंद। सुख की सरकार का नाम देख रहे हैं, सुख की सरकार बन के रहेगी। हमें ऊपर को 15 दिन हमने तो किया कुछ नहीं, परंतु जो माननीय धूमल जी के टाइम में और जयराम जी के टाइम में ऑफिस खोले थे उनको बंद करके हमीरपुर की जनता को सुख की सरकार ने तोहफा दिया है। और मैं बड़े ही आदर के साथ हमारे बीच में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और विपक्ष के नेता हमारे बड़े ही आदर के योग्य जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आए अपना संबोधन